दूसरे स्थान पर कौन है, तीसरे स्थान पर कौन है। लेकिन सबसे पहले पहला स्थान किसने देखिए जीता है, नाम हृदय अग्रवाल है इनका और इनकी जो उम्र है वो 8 साल की है। जगह ये लखनऊ से बिलोंग करते हैं, पेरेंट्स इनके साक्षी अग्रवाल हैं। तो हृदय अग्रवाल ने पहला स्थान जीता है टैलेंट इन ऑल में, सबसे पहला स्थान आर्ट्स में इनका ही है, हृदय अग्रवाल नाम। और दूसरा नाम जो है वो हम आपको बता देते हैं, पहले स्थान के बाद दूसरा स्थान किसका आता है। लेकिन ये जो बच्चा है, और देखिए आप इसकी तस्वीर लगातार स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र महज 8 साल है। इस 8 साल की उम्र में इस बच्चे ने कैसे डिजाइन किया है, आर्ट के माध्यम से अपनी प्रतिभा को कैसे हमारे सामने रखा है, वो तस्वीर हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि कैसे बच्चा मेहनत करता है पढ़ाई में भी, लेकिन उसी के साथ साथ जो बच्चों को एंटरटेन करता है वो उनका एक अलग जॉनर होता है, उनकी कलाओं का जॉनर होता है। लेकिन अब हृदय अग्रवाल को हमने पहले स्थान पर रखा है, उनको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और दूसरा स्थान, नाम भव्या आशीष है इनका, उम्र इनकी महज 10 साल की है, जगह लखनऊ से बिलोंग करती हैं, पेरेंट्स आशीष कुमार। और देखिए भव्या की भी तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, भव्या को देखिए, जैसे आपने देखा हृदय को, छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र 8 साल की थी, उसने अपने टैलेंट को दिखाया आर्ट में, और भव्या भी कुछ ऐसा ही करके दिखा चुकी हैं। भव्या की जो पेंटिंग है, जो ड्राइंग है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। भव्या ने भारत का नक्शा बनाया है और बाकायदा इसमें कलर फिल करके अपनी भावनाओं को भी समझाने की कोशिश की है। दूसरा स्थान जिसको मिला है वो है अंतरिक्ष तोमर, इनकी उम्र 9 साल की है, मथुरा के रहने वाले हैं अंतरिक्ष, और इनके पेरेंट्स का नाम हम आपको बता दें, पुनीत तोमर इनका नाम है। और अंतरिक्ष की तस्वीर भी आपके सामने है, अंतरिक्ष ने देखिए किस तरीके से यहाँ पर अपने टैलेंट को दिखाने की कोशिश की है, चित्र के माध्यम से उकेरा है अपनी यहाँ पर जो उनकी इस वक्त दिमाग में जहन में चल रहा था। तीसरा स्थान सनातन संकल्प का है, नाम है इनका सनातन, उम्र इनकी 7 साल की बताई जा रही है, और जगह प्रयागराज, यानी कि प्रयागराज से बिलोंग करते हैं सनातन, पेरेंट्स का नाम सौरभ पांडे है, सौरभ पांडे इनके फादर हैं, और नाम इनका सनातन है, और नाम की तरह ही खूबसूरत इनकी आर्ट भी है जो आप देख रहे हैं इस वक्त। तीसरा स्थान वंशिका अग्रवाल ने पाया है, उम्र इनकी 10 साल की है, लखनऊ की अंशिका रहने वाली हैं, इनके पेरेंट्स का नाम राहुल अग्रवाल है। अंशिका ने तीसरा स्थान पाया है टैलेंट इन ऑल में आर्ट्स में, और ये कैटेगरी देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, जूनियर कैटेगरी, जूनियर कैटेगरी में वंशिका का तीसरा स्थान आया है। इन्होंने जो आकृति इन्होंने अपनी दिखाई है बनाकर तस्वीरों के माध्यम से, वो हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए लगातार जो नाम है वो हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर 10 साल के 8 साल के छोटे छोटे बच्चों ने अपने टैलेंट को दिखाने की कोशिश की, और हम उनके लिए प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं जहाँ पर वो पहुँच कर अपनी चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो कैटेगरीज हैं एक बार फिर से हम आपको दिखा देना चाहते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। टैलेंट इन ऑल में जो कैटेगरी हैं जूनियर सीनियर की, उनको हमने 5 भागों में डिवाइड किया, सबसे पहली आर्ट, दूसरी म्यूजिक है, तीसरी कविता है, और चौथी फैंसी ड्रेस की कैटेगरी है, पांचवी निबंध यानी कि एसी की कैटेगरी है ये। तो ये 5 कैटेगरी हैं, आर्ट, म्यूजिक, कविता, फैंसी ड्रेस, जिसके अंदर आप अलग अलग एज के हिसाब से आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इसी के साथ साथ आपकी हम जो हुनर है उनको देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अब जो सांत्वना पुरस्कार है वो किसको मिला है, नाम आंजनेय मिश्रा है, उम्र इनकी 8 साल की है, जगह हल्द्वानी के रहने वाले हैं आंजनेय, और पेरेंट्स इनके नवीन मिश्रा है। ये सांत्वना पुरस्कार इनको मिला है टैलेंट इन ऑल में आर्ट कंपटीशन में, जूनियर कैटेगरी में देखिए इनका नाम आया है। नेक्स्ट नाम हम आपको बता देते हैं, दर्शित सिंह वर्मा का, उम्र इनकी 5 साल की है, और जगह इनकी बरेली है, यानी कि बरेली में रहते हैं, पेरेंट्स सत्येंद्र सिंह वर्मा है, और ये जो इनको पुरस्कार मिला है वो सांत्वना पुरस्कार दिया गया है। जो इन्होंने आर्ट्स बनाई वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब अगला जो नाम है वो दृष्टा जिंदल का नाम है, दृष्टा 7 साल की हैं, नोएडा में रहती हैं ये, इनके पेरेंट्स का नाम सचिन जिंदल है, इनको भी सांत्वना पुरस्कार दिया गया है। तो दृष्टा बहुत बहुत बधाई हो आपको, क्योंकि आपने देखिए ये सांत्वना पुरस्कार अपने नाम कर लिया है, उम्र आपकी 7 साल की है, लेकिन उसके बाद भी आपने अपनी कला को उकेरा है इस पन्ने पर। अगला नाम जो है सांत्वना पुरस्कार में वो है गुनिका मिश्री का, इनकी उम्र 9 साल की है, लखनऊ की रहने वाली है गुनिका, और राकेश मिश्री इनके पेरेंट्स का नाम है।
गुनिका ने भी सांत्वना पुरस्कार जीता है। गुनिका आपको भी देखिए बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप भी इस पुरस्कार के हकदार हो चुकी हैं। आपका नाम हम आपको दिखा रहे हैं, आप यकीन खुशी महसूस जरूर कर रही होंगी। अगला जो नाम है वो देखिए दिशा वर्मा का है। दिशा की उम्र जो है वो 10 साल की है, लखनऊ की रहने वाली है दिशा। और सपना वर्मा इनके पेरेंट्स का नाम है, इनको भी सांत्वना पुरस्कार दिया गया है। तो दिशा वर्मा आपको भी बहुत सारी बधाइयां। इसी तरीके से आप अपने टैलेंट को निखारते रहिए और अपने आप को मोटिवेट करते रहिए। इसी तरीके से आप लगातार मेहनत करिए पढ़ाई में भी, और इसी तरीके से आप अपने आप को पॉलिश करते रहिए। आगे जाके आपकी जो आकृतियां हैं वो और खूबसूरत बन जाएंगी आपकी तरह। ये आपने देखा कि आर्ट्स कैटेगरी के जो जूनियर में लोग थे जिनके नाम शामिल थे वो हमने आपको दिखाए हैं, लेकिन अब हम आपको आर्ट कॉम्पिटिशन के सीनियर कैटेगरी के क्या परिणाम आए हैं वो जरा दिखा देते हैं। आप स्क्रीन पर नजर बना के रखिए, एक एक करके वो सारे नाम।